हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज आपके पास एक नया वीडियो लेके आई। वो क्या है क्या नहीं आप लोग ध्यान से देखते रहना, पहले से लास्ट तक तभी आप लोगों को पता चलेगा। अभी हुआ है 2024 मार्च 28 है आज का डेट। और देखिए किस तरह से हमारा ग्रेप्स हो चुका है अच्छी तरीके से। पहले बार पहले ईयर में पतला सा था उसका पेड़, तो इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ था। इस साल थोड़ा सा मोटा हो गया है, तो किस तरह से हुआ है वो सब मैं दिखाऊंगी। आप लोग पहले से लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। और छोटा छोटा हो रहा है, अभी मार्च मंथ है, और किस तरह से हो रहा है मैं सब कुछ दिखाऊंगी। आप लोग ध्यान से देखते रहना, पहले से लास्ट तक तभी आप लोगों को पता चलेगा। और देखिए ये दूसरी साल है, इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा मोटा हो गया है उसका पौधा। और देखिए किस तरह से हो रहा है, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे दिख रहा है। और छोटा छोटा फ्लावर आ रहा है और छोटा छोटा हो रहा है। जब तक बड़ा हो जाएगा तब तक भी दिखाऊंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना जरूर बताना। और मैं इसका पौधा भी तैयारी करूंगी और नर्सरी करूंगी। ये बरसात के दिन होगा, अभी फल हो रहा है तो अभी नहीं तैयारी हो सकेगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो गया था। मैं तैयारी करने के लिए चाह रही थी, लेकिन पापा जी इसको बरसात के दिन कट कर दिए थे, इसलिए ये नहीं हो पाया। तो आप लोग ज़रूर हमारा यहाँ से पौधा भी ले सकते हो। मैं बनाऊंगी, तैयारी करूंगी और बेचूंगी, ये सोच रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखते रहना किस तरह से अच्छे से हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 इयर्स के बाद इस तरह से पेड़ तो नहीं कहा जाता है, ये लता होता है। देखिए इस तरह से मोटा हो गया है इस तरह से। और देख सकते हो इसका यहाँ पे भी इस तरह से रूट्स निकल चुका है, इस तरह से होता है ये। और आप लोग देख सकते हो अभी हो रहा है मार्च के मंथ में। तो इस तरह से देखिए, आप जितने पानी इसको देंगे और खाद दोगे इस तरह से आपका ज़्यादा ज़्यादा होगा। तो देखिए इस तरह से आँख से इस तरह से निकलता है, वहाँ से फ्रूटिंग होता है। मैंने इसको कटिंग कर दिया था और देखिए ये भी हो रहा है। तो इस तरह से देखिए छोटा छोटा ये फ्लावर आ रहा है और यहाँ से ये फल होगा। और मैं दिखाती हूँ कितना सारा फल आएगा। मुझे लग रहा है इस साल ज़्यादा फल आएगा, क्योंकि पेड़ थोड़ा सा मैच्योर हो गया है। इसलिए आप लोग देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ, देख सकते हो ये छोटा छोटा हो रहा है, ये फल हो रहा है। देखिए ये इस साल ज़्यादा बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन पहली बार हुआ था जब पहले साल तो बहुत छोटा छोटा हुआ था, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है लंबा लंबा होगा और बड़ा बड़ा ही होगा। आप लोग देख सकते हो इसका पेड़, आप लोग लेना चाहते हो तो मैं हमारा घर पे आके ले सकते हो। मैं इसकी तैयारी करूँगी बरसात के दिन में, इसका पेड़ तैयारी करूँगी। आप लोग देख सकते हो ये इतना सही हुआ है और निकल रहा है धीरे धीरे से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस ईयर में एक्चुअली मैं पेड़ बनाना चाहती थी, लेकिन पापा जी ने बरसात के दिन ना ज़्यादा आ गया था पत्ते, तो इसलिए वो कट कर दिए, तो मैंने इसका पौधा तैयारी नहीं कर सका, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन अभी हो रहा है, तो ये बरसात के दिन में जब ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, उस टाइम मैं इसका पौधा तैयारी करूँगी, ग्राफ्टिंग बल्ला तैयारी करूँगी। यानी जो होता है एक ईयर में भी फूल फल देगा, बेसा वाला मैं तैयारी करूँगी और बेचूँगी। सोच रहा हूँ मैं नर्सरी करूँगी, तो वहाँ पर ये सब पेड़ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। ये बीज वाला होता है और 2-3 बीज निकलता है इसका अंदर, और छोटा छोटा हुआ था पहली बार, लेकिन इस साल किस तरह से होगा मुझे पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा बड़ा होगा। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से हुआ है।